Bismillah Rahman Rahim Allah Badir. Assalamualaikum. We are just about to inaugurate the function. Let your hands off. Haji Yunus Khan Moti Wala. Please give them a huge round of applause, everybody. The request to the dignitaries say to the stage pe aa jaye, they can take the seats. ये सबके का हो रहा है. अगर आप जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से प्लीज इसमें कंट्रीब्यूट कर दीजिए. जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है जो देना चाहेंगे आप एज अ सत्ता वो दे दीजिए. And with all due respect to all our world member organizations, please give them a huge round of applause. क्योंकि औरंगाबाद में ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पे एक बना हुआ मुस्तकबिल 10 मुस्तकबिलों को खींचने की कोशिश कर रहा है. बहुत बड़ी बात है. मैं फंक्शन की शुरुआत करना चाहूंगी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द डायस. हाजी यूनुस भाई मुतीवाला प्रेसिडेंट ऑफ औरंगाबाद भलाई मेमन जमात का वेलकम करेंगे मिस्टर एहसान गड़ावाला. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर एहसान गड़ावाला को कि वो हाजी यूनुस भाई मुतीवाला का वेलकम करें विद अ फ्लोर ऑफ ओके. प्लीज गिव देम अ हुज ऑफ अप्लॉज. ये उन्हीं की मेहनत है कि जो आज हम यहाँ बैठे हैं. ये उन्हीं की मेहनत है कि कई बच्चों का मुस्तकबिल बनने वाला है. थैंक यू सो मच. सिद्धित भाई मोतीवाला का वेलकम तो जरूर होगा लेकिन उनका वेलकम का बिहाव दिया है अतीफ भाई मोतीवाला ने. सो मिस्टर हसीन अगाड़ी वेलकम करेंगे अतीफ भाई मोतीवाला को और बिहाव में सुधीर भाई मोतीवाला. इनके लिए ज्यादा ताली मर्जी चाहिए क्योंकि ऑल्सो यूथ विंग और आई कैन से द वन पर्सन हु हैज एक्चुअली टेकन द इनिशिएटिव फॉर टेकिंग अप दिस प्रोजेक्ट. ओके द यूथ टीम. कांग्रेचुलेशन. ही इज द लीडर फॉर द यूथ टीम. नेक्स्ट है मिस्टर मकसूद भाई नबीवाला सिटी चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन. इनका वेलकम करेंगे मिस्टर एहसान गड़ावाला. फ्लोर इज ओपन. थैंक यू सो मच सर. दिस इज मशीला मकसूद नबीवाला ट्रस्टी मेंबर ऑफ डब्ल्यूएमओ. इनका वेलकम करेंगे मिस्टर एहसान गड़ावाला. दिस इज मशीला के बारे में बताना चाहूंगी. चेयरमैन भी कर सकते हैं. मशीला एक बहुत ही सोशल वर्कर है. फिलैंथ्रोपिस्ट है. काफी यंग एज से ये सोशल वर्क में जुड़ गई है. फ्रॉम द एज ऑफ 22 शी इज एसोसिएटेड विद ऑल दीज एक्टिविटीज. मिस्टर एहसान गड़ावाला प्रेसिडेंट इंडिया चैप्टर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम करेंगे मिस्टर अतीफ मोतीवाला. ग्लोबल वेलकम. थैंक यू फॉर कमिंग सर. अगाड़ी जो ट्रेजरर है इंडिया चैप्टर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के इनका वेलकम करेंगे नाजी अली. सर सर मिस्टर मुदस्सिर पटेल लाइफ मेंबर ऑफ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का वेलकम करेंगे मिस्टर हाजी अली. मिस्टर मुदस्सिर पटेल इनका वेलकम करेंगे हाजी इकबाल भाई जो प्रेसिडेंट है हैदराबाद चैप्टर ऑफ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के. माशाल्लाह सर मैंने अभी कई कहा मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी आपके अल्फाज की मेमन जमात से हम लोग को सबको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि एक ऊंचा आदमी कैसे 10 को खींच सकता है और आप कर रहे हैं. माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है. मिस्टर इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. मिस्टर मुनीस गाजियानी को वेलकम करेंगे मिस्टर अतीफ मोतीवाला. ये ट्रस्टी है गड़ावाला ट्रस्ट के. ट्रस्टी इज ऑल्सो लाइफ मेंबर ऑफ वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू सर. स्पेशल इनवाइटीज की लिस्ट में जो मैं वेलकम करना चाहूंगी ओरली वी हैव मेनी पर्संस. हर्षल गड़ावाला यूथ विंग वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन. तहजीब गड़ावाला वी हैव. अस्फाना गड़ावाला वी हैव चेयरपर्सन गड़ावाला मैट्रिमनी. मोहम्मद शाही गड़ा
youth wing WMO, Afaq Janu, youth wing WMO, Afaan Janu, youth wing WMO, Muneet Bha, trustee, Garawala Trust, Avesh Ghaziani, youth wing WMO, Nadeem Petiwala, youth wing WMO, we have Voice of Memon, jo ke media partner hai WMO ke, Saleem Bandukia, youth wing WMO, Hadi, youth wing WMO, Ehsan Bha, president, World Memon Organization, Haseen Bha, treasurer, World Memon Organization, Avesh Bogarmwala, youth wing WMO, Faisal Munshi, youth wing WMO, Haji Haroon Nadiwala, team member, Junaid Rogatia, youth wing WMO. Please, in sabka zordaar taaliyon se sabka lo. इनकी कोशिश इनकी मेहनत से आज हम लोग यहाँ पे हैं. एक थैंक्स गिविंग मोमेंट जो है जो एहसान भाई गड़ावाला प्रेसिडेंट इंडिया चैप्टर WMO देने वाले हैं, औरंगाबाद हलाई जमात हाजी उमेश भाई मोतीवाला को और सिद्दीक भाई मोतीवाला को. ये मोमेंट जो थैंक्स गिविंग है कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी को अशरफा बस बहुत खूब निभाया है. सो थैंक यू सो मच सर, जजाकल्ला. सती भाई से रिक्वेस्ट करूंगी वो आ जाए क्योंकि सिद्दीक भाई मोतीवाला इज नॉट देयर. सो स्मॉल मोमेंट जो थैंक्स गिविंग मोमेंट जो थैंक यू सो मच. एहसान भाई गड़ावाला को फिर से तकलीफ देना चाहूंगी कि सिटी चेयरमैन औरंगाबाद WMO मिस्टर मकसूद नदीवाला को आप एक थैंक्स गिविंग मोमेंट जो से इस्तकबाल करें. द ओनली लेडी ऑन द डायस, इसको कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, जगह बना ली है आपने. फाइनली मिसेज मशीला मसूद नदीवाला जो ट्रस्टी हैं WMO की, बहुत फेमस सोशल वर्कर फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इनका ही मोमेंटो से सत्कार किया जाएगा. मैं रिक्वेस्ट एहसान भाई गड़ावाला अगेन टू प्लीज वेलकम हर उस मोमेंटो. थैंक यू सो मच. एहसान भाई गड़ावाला को एक बार और आखिरी बार तकलीफ देना चाहूंगी. मिस्टर अदीप मोतीवाला और यूथ विंग की पूरी टीम आगे आए और ये मोमेंटो औरंगाबाद हलाई मेमन जमात की टीम प्लीज आगे आइए और इस मोमेंटो को एक्सेप्ट करिए. थैंक्स गिविंग मोमेंटो मिस्टर अदीप मोतीवाला की गाइडेंस में पूरा यूथ विंग यहाँ पे खड़ा है. यहाँ पे आपको यूथ दिख सकता है. यूथ राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों के साथ इनका अप्रिसिएशन किया जाए. हिम्मत लगती है इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, बहुत बड़ी बात है. आई कंग्रेचुलेट द प्रेसिडेंट औरंगाबाद हलाई मेमन जमात यूथ विंग मिस्टर अतीफ मोतीवाला एंड हिज टीम. थैंक यू सो मच सर. Assalamu alaikum. I wish everybody just best of luck that they get success in their jobs, inshallah. Or हमारी बस वही कोशिश है, चाहे WMO की क्या किसी को भी, आप कोशिश करो कि उसको मच्छी पकड़ना सिखा दो. रोज मच्छी लेने से ज्यादा है तो हमारी वही कोशिश है और इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू वेरी मच. रिक्वेस्ट करूंगी अभी मिसेस मशीला नदीवाला को कि वो आए और हमारे यूथ को गाइड करें, मोटिवेट करें इस इंटरव्यू और इस जॉब फेयर के लिए. तमाम यूथ को मैं ऑल द बेस्ट कहती हूँ और इंशाल्लाह काफी गर्ल्स भी है यहाँ पर और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह अपना इंटरव्यू अच्छे से दीजिए और आपको कामयाबी मिले और आप भी काफी मिस्टर मुंतजिर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर इलियास डांगरा जो जोनल सेक्रेटरी हैं मेमन फेडरेशन. मिस्टर अतीफ मोतीवाला को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिस्टर मोहसिन सैयद जो चैप्टर है जो औरंगाबाद के फॉर AMP एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, आप वेलकम करिए इनका क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाथ ली है. मनरेगा जॉब है. सती मोतीवाला और एहसान गड़ावाला से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों इनका फोन लगे. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. बॉम्बे से कल रात में हम लोगों ने ट्रेवल किया यहाँ पर औरंगाबाद आने के लिए. तीन महीने से एहसान भाई गड़ावाला जो हमारे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है,
जॉब फेयर करना है पूरे इंडिया में, ये संकल्प लेके चल रहे हैं कि जॉब फेयर करना है। जब ये कॉन्सेप्ट जॉब फेयर का उन्होंने बताया एएमपी के साथ में, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन के साथ में जॉब फेयर करना है, क्यों करना है जॉब फेयर? पैसा खर्चा करना है, टाइम एफर्ट्स, इतने सारे लोग हैं बैठे। जॉब फेयर स्पेसिफिकली इसीलिए करना है, ऐसा करना भी ऐसी जवान में रखा है कि हमको फिशिंग करना नहीं है, हमको फिशिंग करना सिखाना है, हमको फिशिंग करके देना नहीं है, हमको फिशिंग करके सिखाना है। जितने भी कैंडिडेट्स आप यहाँ आए हैं, कॉर्पोरेट कंपनी यहाँ आई है, कैंडिडेट्स को आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एहसान भाई गढ़ा वाला को और औरंगाबाद हवाई मैदान जमात के सदर साहब अतीक भाई पटेल साहब बोल रहे हैं, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में आज एक जॉब फेयर करके अतीक भाई के हमको बैठना नहीं है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हर एक साल में यहाँ पर आप जॉब फेयर करिए। औरंगाबाद में ये फर्स्ट टाइम है, दिस इज अ रिमार्केबल मोमेंट फॉर औरंगाबाद पीपल कि आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर, मैं समझता हूँ कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर जॉब फेयर हुआ होगा, बहुत सारे हुए नेमन समाज का हमारा फर्स्ट है। और मुंबई से एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशन आई और इतना बड़ा काम कर रही है, तो हम उनको भी थैंक करते हैं। मुंबई में हम लोगों ने जॉब फेयर किया था 1 दिसंबर 2018 को, वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और एएमपी हम लोग से मिलकर किए थे। उसमें वर्ल्ड वुमेन 2800 बच्चों ने शिरकत की, 410 बच्चों को जॉब मिला आरंभ हुई और 850 कैंडिडेट्स वर शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड राउंड। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में डॉक्टरों के साथ मिल करके बॉम्बे में तो किए, औरंगाबाद में कर रहे, पूरे इंडिया में इंशाल्लाह करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करिए कि ये जहाँ जहाँ यहाँ पर भी ये जॉब फेयर डॉक्टरों के जरिए हो, अल्लाह उसे कामयाबी दे और लोगों को इससे जॉब मिले, लोग इसका फायदा उठाए, क्योंकि एक आदमी को अगर जॉब मिलता है तो एक फैमिली उस पर चलती है। अल्लाह ऐसा मैं हृदय कर दे रहे कि बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं इसके लिए, और आप सब मिलकर दुआ करिए कि हमारे डब्ल्यूएमओ में जॉब फेयर जहां जहां भी हो अल्लाह उसमें कामयाब हो इंशाल्लाह। शुक्रिया, अस्सलाम। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, विल स्टार्ट विद द फंक्शन। जस्ट अ क्विक वर्ड ऑफ थैंक्स वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बहुत जजाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको उसका जजाए खैर दे और ऐसी जाती हिदायत दे कि आप और ऐसा करते रहे आगे, ताकि और गरीब बच्चे और हम लोग भी इस बात का फायदा उठा सके। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक औरंगाबाद हवाई मैदान जमात, की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ली है और उसको बखूबी निभाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूँ, अल्लाह हम सबको ऐसी हिदायत दे कि हम ये सब करते रहें। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आज वॉइस ऑफ मेमन जो कि डब्ल्यूएमओ नॉर्थ इंडिया चैप्टर का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है, जो औरंगाबाद हलाई मेमन जमात की मेहमान बनकर आई हुई है, वॉइस ऑफ मेमन का औरंगाबाद हलाई मेमन जमात तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। औरंगाबाद हलाई मेमन जमात डब्ल्यूएमओ नॉर्थ इंडिया चैप्टर ने एएमपी और औरंगाबाद हलाई मेमन जमात के साथ मिलकर आज औरंगाबाद मेमन जमात में 2 मार्च 2019 को एक बड़ा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए, नॉट फॉर मेमन बट पूरी मेमन कम्युनिटी के लिए है, फॉर ऑल कम्युनिटी के लिए है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो जॉब फेयर के बारे में हम कुछ जानेंगे, आज औरंगाबाद मेमन जमात के मेहमान है मिस्टर सब्बीर भाई भोजानी, जो कि प्रेसिडेंट है हलाई मेमन जमात हैदराबाद के। तो इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और इनसे थोड़ा सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औरंगाबाद में आपको आकर कैसा लगा, खास करके आपने ये जो डब्ल्यूएमओ का जॉब फेयर आज ज्वाइन किया, पार्टिसिपेट किए, तो आपको कैसा लगा जॉब फेयर के बारे में और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर औरंगाबाद और एमपी के साथ मिलकर जो जॉब फेयर किया उसमें आप आए, आपको कैसा लगा? सच बात तो ये है, मुझे पहली वक्त बहुत अच्छा लगा, हमारी जमात में भी और इंडिया में हर जगह जो है हर जमात अपने अपने तौर पर बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन आज
मेरे को एहसान भाई तीन वक्त से बोल रहे थे कि एक टाइम आकर आप जो है देखो, और मैंने लास्ट टू टाइम्स जो है मिस किया। आज देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि एक इंसान को अपने पैर पर ठहरा करने का मौका दे रहे हैं हम लोग। इससे लेने वालों की तादाद इंशाल्लाह कम होगी और घर गृहस्थी हर इंसान की जो है आगे बढ़ेगी। तो मैं एहसान भाई का, डब्ल्यूएमओ का और औरंगाबाद मेमन जमात का शुक्रगुजार भी होना चाहिए मुझे कि आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हर इंसान अपने खुद के पैर पर ठहर सके, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए। वॉइस ऑफ मेमन के जरिए आप पूरी मेमन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं पूरी मेमन कम्युनिटी को यही पैगाम दूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा तिजारत में आए, दीन की तालीम हासिल करें। आजकल हमारे पास थोड़ा दीन की कमी होने की वजह से शादियों में तकलीफें आ रही है, और एहसान भाई शादी के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जोड़े बनाने का। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, और आपका ये मशवरा हम जरूर अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। आजी इकबाल सुलेमान दामिया। अस्सलाम वालेकुम। आज इस जॉब फेयर के बारे में आप कुछ बताइए। आज का जो जॉब फेयर है अभी शुरू हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 250 कैंडिडेट्स आ चुके हैं, जिसमें से अभी दो लोगों को ऑलरेडी अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, और वो अभी और लोग आ रहे हैं। तकरीबन 25 कंपनी के लोग आ रहे हैं, और अभी तकरीबन 21 और कंपनी के लोग आने वाले हैं। जज़ाकअल्लाह सर। गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ है मिसेस मिशीला मकसूद नवीवाला। शी इज द फर्स्ट फीमेल ट्रस्टी ऑफ WMO. WMO इज द वर्ल्ड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड शी इज द ट्रस्टी ऑफ इंडिया। अपने बारे में कुछ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम मशीला मकसूद नवीवाला फ्रॉम इंडिया औरंगाबाद। मैं अपने बारे में यही बताती हूँ कि हम अपने वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, अहलाई मेमन जमात, ऐसे की बहुत सारे इदारे में हम अपना सोशल वर्क का काम करते हैं, ताकि इससे अपने बच्चों को, यूथ को और अपनी औरतों को जो बेवा है उसको फायदा मिले। आज का जॉब फेयर के बारे में मैम आपका क्या बोलना है? जॉब फेयर जो हम यहाँ पे औरंगाबाद में आज ऑर्गेनाइज किया है, औरंगाबाद हालई मेमन जमात, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन AMP ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इससे काफी फायदा मिलेगा यूथ को, यंगस्टर को, जो जॉब के लिए बहुत इधर उधर परेशान होते हैं, फाइलें लेके घूमते हैं धूप में। तो इस वजह से यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे बच्चे एक जगह आते हैं, उनको अच्छे से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रखा है, ताकि वो आसानी से उनको जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो अपना ले सके। ग्रेट आइडिया। एंड यू पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी। एंड यस, सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू आस्क इज आपका औरंगाबाद मेमन जमात में क्या रोल है? औरंगाबाद मेमन जमात में हम, आई वॉज 22 जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के, हमारे कौम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी फैमिली, पूरी फैमिली मोतीवाला और नवीवाला, हम लोग काफी कुछ बहुत अच्छे अच्छे से करते हैं, और वो ज्यादा मीडिया में बताते भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब चीजें अल्लाह के लिए और इसका अजर अल्लाह से हमें मिले, तो बस कोशिश करते हैं अल्लाह कबूल कीजिए। फॉर मेमन जमात आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह देखो, फ्यूचर ड्रीम तो अल्लाह ताला ने इतना दिया है, नवाजा है, कि हम जो सोचते हैं अल्लाह हमारा काम करवा देता है। मुझे याद है मैं जब बहुत छोटी थी, तब मुझे ऐसा लगता था, मेरी ग्रैंड मदर के साथ हम जाते थे, हमारे ग्रैंड मदर बहुत चीजें ऐसी करते थे, उनको हम देखते थे। हम जब स्कूलिंग हमारा एज था, तो मुझे ऐसा लगता था नहीं, हमारी कम्युनिटी मुस्लिम, ऐसा बेसिकली मुस्लिम सबके लिए कुछ अच्छा करे, ताकि इससे फायदा मिले। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे प्लानिंग है हमारे काफी कुछ, जैसा कि हम चाहते हैं औरतों को, बेवा औरतें जो बहुत तकलीफ में इधर उधर भटकती है काम के लिए, तो उनके लिए कुछ अच्छा करे, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करे, उनको एजुकेशन मिले। और मैं चाहती हूँ कि खुद भी, अपने पेरेंट्स भी एजुकेशन के लिए ऐसा ना सोचे कि उनकी ये उम्र है तो नहीं कर सकते, वो खुद भी लिटरेट बने और अपने बच्चों को भी एजुकेशन की नॉलेज दे, इस्लामिक नॉलेज दे, कुरान शरीफ की तरबियत दे, ताकि हमारे समाज में काफी कुछ मुसलमानों की इज्जत अल्लाह उनको नवाजेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे हम भी सभी से एक अपील करना चाहेंगे कि यस, आप एजुकेशन से जितना सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, आप वो किसी और डोमेन से नहीं ला सकते।
and every individual from Association of Muslim Professionals is striving hard that we should bring the employment, we should bring the actual money into the home, because bolna bahut aasan hai ki sirf pad liye, lekin jis ghar mein takleef hai aur jahan pe bachon ke liye paisa nahi hai, rozi nahi hai, ghar mein khana nahi hai, to unke halat bigadne hi hain. तो सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला है. वी जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी जहां पर हम कर दिखाए कि आप लोग में अगर काबिलियत है तो आपको जॉब्स लग सकते हैं. कंपनी जो है काफी साल से वी आर इन टू रिक्रूटमेंट. वी एग्जैक्टली नो कि औरंगाबाद में कंपनीज परेशान है कि उनको बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चे परेशान है कि उनको जॉब्स नहीं मिल रहे. तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करना चाह रहे थे जहां पे हम बच्चों को और कंपनी को आपस में मिला दें, और इसमें किसी भी का कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ना WMO का है, ना AMP का है, ना ही किसी स्पॉन्सर कम्युनिटी का है. जहां पे फाइनेंशियल बेनिफिट बोलते हैं ना कि किसी का फाइनेंशियल, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग हार्ड के आपका यूथ अपलिफ्टमेंट हो. वी आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी सिंगल कम्युनिटी, वी आर ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज. लास्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट यू इज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कम्युनिटी को? वॉइस मैसेज बहुत अच्छा काम कर रहा है. हमारी कम्युनिटी का ही चैनल है ये मेमन के, काफी लोगों ने इसको स्टार्ट किया है और उनको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है. काफी लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, हर सिटी में जाते हैं, सबका इंटरव्यू लेते हैं. और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो सोशल मीडिया के लोग जो काम करते हैं वो जो अल्लाह की खातिर करते हैं, अल्लाह ताला इसको बराबर उनका अजर देता है. As an operation supervisor in Express Biz Courier Company. It is a logistic company. They used to provide a service of online shipment at orders, customer order and online website, and they get shipped from at their doorstep. We used to provide the service, and at my job profile is that I used to handle a staff of 25 people, and they used to report me, and I used to handle I used to work on my company softwares as well as cash, and as well as take the care of all our office responsibility. I used to handle that much. Yeah. Sir, tell me which type of job you are looking for? Which type of job? So that I have experience of the in logistic department and as a management department. So I am finding related to that profile as a management or as an assistant manager or a team leadership and related to that profile. Yeah. So if we offer a different job with lots of challenges, will you accept it? It depends upon which type of job you are providing. If I can, understand, if I understand that it's on my side, so I will definitely work hard on it. And I will to get best in that. Yeah, I will give my best in that. Means you are ready for accepting challenges. Yeah, I am ready for the accepting challenges. Okay. अब हम एक कैंडिडेट से बात करते हैं यहाँ, जिसका नाम इरफान खान है. अस्सलाम वालेकुम इरफान खान. वालेकुम अस्सलाम. आपको कैसा लग रहा है इरफान खान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मुझे WMO एंड AMP के तरफ से मुझे आज ये मौका मिला है कि मेरे को यहाँ पर न्यू जॉब्स मिला है, लेटर मिला है सिल्वर ओवर 10 के तरफ. अच्छा, आपको कंपनी सिल्वर ओवर 10 की तरफ से जॉब मिला है यहाँ? यस सर. किस पोजीशन पे? सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर. आपको कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं शुक्र गुजार हूँ AMP मेगा जॉब्स वेयर का. ओके, थैंक यू इरफान खान.